प्यारे बच्चों, पढ़ना शुरू कर दो। कोई समस्या है तो हम हमारे तुम्हारे साथ खड़े हैं। बहुत अधिक चोटियां मार ली हैं और कोई अपने परिवार को बचाओ, भीतर बैठ के पढ़ना है। चलो पढ़ाई चालू करते हैं। हमारा जो पीछे जब हमारा ब्रेक हुआ था उस वक्त हमने डिफरेंशिएशन चालू की थी, उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने जो डिफरेंशिएशन जिस फंक्शंस की सीख ली है उसको हम रिकैप करते हैं एक बार। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे या फंक्शन थे उसका डेरिवेटिव सीख लिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी फंक्शन है उनकी डेरिवेटिव डिस्कस कर ली थी हमने। इनवर्स फंक्शन एक दो वीडियो डाले थे एक दो दिन पहले, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन की, उनकी डिफरेंशिएशन एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं। वो थोड़ा सा वीडियो साफ नहीं थे, जैसे y इज इक्वल टू ए पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म है जिसमें a इसका बेस है, x इसकी पावर है, इंडेक्स बोल सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन में x बिलोंग्स टू ऑल r, a मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ डोमेन और रेंज प्रत्येक फंक्शन के बारे में डिस्कस होना बड़ा जरूरी है। तो डोमेन ऑल रियल है, या ए जीरो से बड़ा है तो वाई की वैल्यू जो है वो ऑल पॉजिटिव रियल आएगी। ये भी दो भागों में डिवाइड करते हैं हम ग्राफिकली, जैसे डिस्कस किया जाए तो व्हेन ए इज ग्रेटर देन वन और व्हेन ए इज लेस देन वन, आई मीन टू से दिस। ए की वैल्यू जीरो और एक के बीच में है तो इसका ग्राफ ये चलेगा डिक्रीजिंग फंक्शन, और इंक्रीज करेगा यदि ए की वैल्यू एक से बड़ी है। इसका आज हम डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं। डिफरेंशिएशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं भाई डेरिवेटिव का तात्पर्य क्या है। तो डेरिवेटिव मीन्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये हमें ग्राफ की जो नेचर है उसके बारे में बताता है। तो डेरिवेटिव, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव वी हैव वाई डैश और दिस मे बी रिटन एफ एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एच टेंड्स टू जीरो लिमिट f of x plus h minus fx upon h. Here we are given fx is equal to a power x, so we have f dash x is equal to h tends to 0 limit a raised to power x plus h minus a raised to power x upon h. Differentiation में हमने सीख लिया है कि ये फॉर्म 0 upon 0 पक्की आती है क्योंकि इसको एग्जिस्ट होना है। अब हमने 0/0 फॉर्म को हटाना है यहाँ से। इसके हटाने के हमारे पास रूल हैं। यहाँ रूल सीधा सा दिख रहा है कि भी न्यूमरेटर को हमने फैक्टराइज करना होगा। इसका तात्पर्य यह है कि भी कॉमन निकालते हैं रेज टू पावर एक्स और इनर पार्ट है ए पावर एच माइनस वन अपॉन एच। अगेन दिस फॉरम इज 0/0। इफ वी ऑब्जर्व दिस केयरफुली, ए पावर एच माइनस वन अपॉन एच, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉरम ऑफ द लिमिट। जो प्लस वन में हमने सीख लिया है ये लिमिट की में एक स्टैंडर्ड फॉरम है, और ये कहाँ टेंड होती है जब लिमिट एच टेंड्स टू जीरो हो। थोड़ा ध्यान देने योग्य बात यह है कि बेस यदि हमारा जीरो से बड़ा हो, पावर यदि जीरो की तरफ टेंड हो रही हो, माइनस वन होना चाहिए, और अपॉन में वही नंबर है जो रेज टू पावर में है, तो ये सारे का सारा लॉग ऑफ ए की तरफ टेंड करता है। ठीक है, तो ऑन सिंप्लीफिकेशन वी हैव ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए विद बेस ई। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। एक पर्टिकुलर नंबर है ई,
नेपियर सीरीज है जो कि यदि मैं एक ही जगह ई रिप्लेस कर दूं, यानी पुट कर दें हम एक ही जगह ई, तो देन दिस विल बी ए रेज टू पावर एक्स इनटू लॉग ऑफ ई विद बेस ई, लॉग ई विद बेस ई इज वन, सो दिस इज ई रेज टू पावर एक्स. तो डेरिवेटिव ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन व्हेन बेस इज ई इज इटसेल्फ. इफ बेस इज नॉट ई तो देन द डेरिवेटिव ऑफ द एक्सप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन एग्जाम्पल टू रेज टू पावर एक्स, दैट दिस इज वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू टू रेज टू पावर एक्स इन टू लॉग ऑफ टू. जैसे यहां भी हमने यही बात वर्णन करी थी कि ए रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव जब हमने निकाला तो एक बार तो ये इटसेल्फ आएगा और एक लॉग ऑफ ए जो बेस है वो एज इट इज और विद बेस ई, यही बात यहां लिखी हमने. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के से संबंधित जितने भी हमारे फंक्शन हम कंस्ट्रक्ट कर ले उनका डिफरेंशिएशन यही होगा. ये सारा जो हमने डिस्कस किया है ग्राफिकली यदि हम इसको डिस्कस करें या समझें, जब फंक्शन हमारा बेस यदि एक से बड़ा है और ये उसका कंस्ट्रक्शन हो गई, तो यहाँ यदि हम कोई भी टेंजेंट खींचें और उस टेंजेंट का यदि हम स्लोप डिस्कस करें, यहाँ आकर के देखें टू रेज टू पावर एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन लाइक दिस, क्योंकि बेस जो है वो एक से बड़ा है, लॉग टू इज ए पॉजिटिव नंबर, लॉग टू और टू रेज टू पावर एक्स इज पॉजिटिव. हमने यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स के बारे में देखना, डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब है यहाँ हमने पॉजिटिव और नेगेटिव की बात देखनी है. तो दो की पावर एक्स पॉजिटिव नंबर है और लॉग टू जब बेस हमारा ई का मतलब है एक से बड़ा, तो ये लॉगरिथमिक में हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि लॉग का बेस यदि एक से बड़ा है और जो उसका नंबर है वो भी एक से बड़ा हो तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा. लॉग टू इज पॉजिटिव, टू रेज टू पावर एक्स इज आल्सो पॉजिटिव, तो दिस होल विल बी पॉजिटिव. यानी यहाँ बेस यदि एक से बड़ा हुआ तो इसका मतलब यहाँ कि यहाँ कोई भी हम टेंजेंट खींचें उन टेंजेंट का जो आर्गुमेंट होगा वो 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा, या हम यू कह देंगे स्लोप पॉजिटिव आएगा. यही बात हमने डिफरेंशिएशन ने बता के भी दी है. एक दूसरा एग्जाम्पल और लें, लेट वाई इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर एक्स. यहां जैसे हमने डिफरेंशिएशन निकाला है उसको देख करके सीधा यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन लिखूं तो 1/2 रेज टू पावर एक्स एज इट इज इन टू लॉग ऑफ दिस बेस, दिस इज 1/2 विद बेस ई. बेस यदि हमने मेंशन नहीं किया है तो उसको ई माना जाए या नेचुरल बेस. अब ये देखो जो हमने डी वाई अपॉन डी एक्स निकाली है, ग्राफिकली यदि हम इसको डिस्कशन के रूप में देखें तो इसका ग्राफ ये है, क्योंकि बेस हमारा 0 और 1 के बीच में है, 1/2 है, एक्स इसके ऊपर इज टू पावर है एक्स है. हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमने प्राप्त किया ये. तो यहाँ यदि ध्यान से देखें तो 1/2 रेज टू पावर एक्स इज ए पॉजिटिव नंबर, लॉग ऑफ 1/2 विद बेस ई, बेस एक से बड़ा है और नंबर जो है वो 1/2 है जो कि एक से छोटा है, तो दिस नंबर विल गिव नेगेटिव वैल्यू, लॉग 1/2 विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव, तो होल विल बी नेगेटिव फॉर एनी एक्स. इसका तात्पर्य ये हुआ है कि जो ये ग्राफ दिख रहा है इसके ऊपर यदि हम कोई भी टच करती हुई लाइन खींचें या जिसको हम टेंजेंट बोल दें, उस टेंजेंट का जो एंगल होगा यहाँ वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है ना भाई. और टेन 90 तो अनडिफाइन होता है, 90 से बड़े के लिए टेन ऑफ द ऑब्ट्यूस एंगल विल बी नेगेटिव. और यही बात हमने इसको इसने भी बताई है, एक्स को जब हम वेरी करवाते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर उसी प्रकार से टेंजेंट का स्लोप हमें डिस्कस होता हुआ दिखाई देगा. तो यही हमें डिफरेंशिएशन ने बात बताई है यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स
इस एक्सप्रेशन का हमने निकाल दिया। तो जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कोई भी किसी प्रकार का टाइप हो, दो टाइप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, इस यहाँ ध्यान रहे, एक ही वैल्यू एक नहीं हो सकती, वरना ये कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा, ये वेरी नहीं करेगा। फिर यदि ए को हम एक ले लें और इसके ऊपर कोई भी पावर डाल दें तो एक ही रहेगा। तो ये कॉन्स्टेंट जो पॉलिनोमियल है उसकी कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान रहे, ए की वैल्यू एक नहीं हो सकती, ए हमेशा जीरो से बड़ा होगा, जीरो और एक के बीच में है, तो इसकी ग्राफिकली जो कंस्ट्रक्शन है वो इस प्रकार से आएगी, ए इज ग्रेटर देन वन, और ए की वैल्यू जीरो और एक के बीच में आएगी तो इसका ग्राफ ये होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा वाई की वैल्यू, या इसको हम रेंज भी बोल दें। कुछ क्वेश्चन हम मिक्स लेंगे, लॉगरिथमिक जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन निकाल करके, और ये साथ में मिक्स क्वेश्चन लेंगे, तो इसके तुरंत बाद या यहाँ हम सबसे पहले लॉगरिथमिक जो एक्सप्रेशन है, जो इसका इनवर्स फंक्शन इनवर्स है इसका, उसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है। तो लेट मी रफ दिस, लॉगरिथमिक फंक्शन हम जानते हैं, वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स फॉर एनी बेस, लेट दिस बेस इज ए, नॉट एनी बेस, ए भी एक लिमिट में होना चाहिए, यहाँ ए हमारा एक ना हो, ये हम फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं प्लस वन में, या ये भी ध्यान रहे कि भी एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, ए इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो, एज वेल ए इज नॉट इक्वल टू वन, तो दीज आर द लिमिटेशंस फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। इफ वी डिस्कस द ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, इफ एक्स, हियर एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, व्हेन ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू वन, जैसा कि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में बेस को हमने दो हिस्सों में बांटा था, उसी प्रकार से यहाँ भी ये दो हिस्सों में बांट करके, एक तो है इंक्रीजिंग इस प्रकार से लेगा, ये y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x का ही ग्राफ है विद बेस a, लेकिन ध्यान रहे a मस्ट बी ग्रेटर देन वन, ठीक है ना। दूसरी ग्राफ की जो स्थिति है इसमें वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ए की वैल्यू यदि जीरो और एक के बीच में लाई करेगी, ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन, नॉट वन बी केयरफुल, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स व्हेन ए लाइज बिटवीन जीरो एंड वन। अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं हम, या उससे पहले लॉगरिथमिक जो एक्सप्रेशन है या फंक्शन है इसके कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, उनको ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है। एक तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, वो हम डिस्कस करेंगे जरूरत पड़ेगी उसके अनुसार। हम डिफ्रेंशिएशन के लिए चलते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय ए बी इनिशियो मेथड, वी हैव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस एच विद बेस ए माइनस लॉग ऑफ एक्स विद बेस ए अपॉन एच, एच टेंड्स टू जीरो, दिस इज एफ डैश एक्स। या फिर हम दोबारा बोलेंगे कि दिस मस्ट बी जीरो अपॉन जीरो फॉरम, टू अवॉइड दिस फॉरम वी फैक्टराइज दिस और अप्लाई ऑल एल हॉस्पिटल रूल और सब्स्टिट्यूशन मेथड टू अवॉइड जीरो अपॉन जीरो फॉरम। मेरा मतलब ये है कि जीरो अपॉन जीरो फॉरम को हमने यहाँ से हटाना है, इसके लिए हमें हमारे कोर्स में तीन चार विधियाँ हैं। एक तो इसको फैक्टराइज किया जाए, सब्स्टिट्यूशन किया जाए, वो विधि देखते हैं। तो लॉगरिथमिक जो एक्सप्रेशन है उसकी प्रॉपर्टी हमारी कि भाई दो लॉग की टर्म हो और वो यदि सब्ट्रैक्ट फॉर्म में हो तो उनको हम एक कंबाइन कर सकते हैं। मेरा मतलब ये है लॉग ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन एक्स विद बेस ए, दिस इज सेम एज दिस अपॉन एच, फर्दर एच टेंड्स टू जीरो, लॉग ऑफ
Here dividing by these two numerator we get 1 plus h upon x all divided by h. प्लस वन में हमने लॉगरिथमिक फंक्शंस का जो लिमिट है उसकी डिफरेंशिएशन लिमिट सॉल्व करना सीख चुके हैं. एच टेंड्स टू जीरो लॉग ऑफ दिस. तो एक स्टैंडर्ड रूल है हमारा, व्हेन एच टेंड्स टू जीरो लॉग ऑफ वन प्लस एच अपॉन एच ये बराबर होता है एक के, बेस ई हो तो. यहाँ थोड़ा ध्यान दियो, हमने बेस ए रखा है, यहाँ भी चलो बेस ए ही लेते हैं. प्लस वन में लिमिट पूरा तरह से कंप्लीट कर लिया था हमने, लॉग ऑफ वन प्लस एच विद बेस ए अपॉन एच. एक लॉग की प्रॉपर्टी, या हमने ये भी डिस्कस किया था कि लिमिट जो है कई फंक्शंस के अंदर जो आर्गुमेंट है, यानी लॉग का आर्गुमेंट है ये वन प्लस एच, इसके अंदर जा सकती है. क्यों जा सकती है? क्योंकि लॉग जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, हमेशा ट्रू नहीं है कि भी लिमिट अंदर चली जाए, लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली. तो इसलिए लॉग के अंदर यहाँ लिमिट, मेरा मतलब ये है, यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं भाई प्लस वन का. एच टेंड्स टू जीरो लिमिट लॉग ऑफ वन प्लस एच विद बेस ए, यहाँ जो वन अपॉन एच है ये रेज टू पावर एच में डाल दिया, पावर में डाल दिया वन अपॉन एच लिख के. ये लॉग की प्रॉपर्टी है, कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन है और उसका मल्टीपल है तो उसका जो नंबर है उसके ऊपर पावर में दे सकते हैं उसको. और अब हम इस लिमिट को इसके अंदर ले जाएं तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट नंबर है. नेपियर जो मैथमेटिशियन था उसने दिया ये नंबर जो कि ई के बराबर होता है, नेपियर सीरीज बोलते हैं जिसको, और ये होता है लॉग ऑफ ई विद बेस ए. वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, वन प्लस एच रेज टू पावर वन अपॉन एच. ध्यान रहे एच टेंड्स टू जीरो होना बड़ा जरूरी है, तभी ये ई होगा. तो इस लिमिट को जब हमने सोल्व किया तो ये मिला. अब इसी को देखते हुए हम यहाँ देखें, एच टेंड्स टू जीरो लॉग ऑफ वन प्लस एच अपॉन एच, यहाँ देखें हम एच यदि जीरो की तरफ जा रहा है तो ये भी जीरो की तरफ गया, जीरो की तरफ टेंड हुआ ये. लेकिन ये यू का यू यहाँ हो जाए, मिल जाए, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में बोल देंगे कि भाई ये लिमिट पूरी बन जाएगी या लिमिट सोल्व हो जाएगी या एवल्यूट हो जाएगी. तो एच टेंड्स टू जीरो हम अपनी तरफ से ये जो एच अपॉन एक्स है ये नीचे तैयार करते हैं, यानी एक्स से डिवाइड कर दिया और एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया. तो लॉग ऑफ दिस नंबर विद बेस ए अपॉन एच अपॉन एक्स, दिस होल विल गिव लॉग ऑफ ई विद बेस ए अप्लाइंग दिस लिमिट. लिमिट इस एक्स पर काम नहीं करेगी क्योंकि एक्स इस लिमिट के नाते हम कहेंगे भी कॉन्स्टेंट है. तो दिस विल बी इक्वल टू वन अपॉन एक्स इन टू लॉग ऑफ ई विद बेस ए. तो दिस इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन. अब एक दो एग्जाम्पल लेकर के थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि भी बेस यदि हमारा ए है, ये याद करने के लिए जैसे अभी अभी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाला था. एक बार हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को यहाँ से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. जैसे ए पावर एक्स है और इसको डिफरेंशिएट किया हमने डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ दिस, तो दिस विल बी, यहाँ बड़ी समस्या होती है स्टूडेंट को याद रखने के लिए कि भी डेरिवेटिव जब हमने एक्सपोनेंशियल का निकाला तो ये निकला, जब हमने लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल निकाला तो ये वन अपॉन एक्स तो याद हो जाएगा, लेकिन ये लॉग ऑफ ई विद बेस ए और यहाँ आया लॉग ऑफ ई विद बेस ई, इनमें बड़ी समस्या रह जाती है. एक बार नया नया जब हम डेराइव करते हैं ये फार्मूला तो याद हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद यूँ नहीं पता चलता है कि बेस इसमें ई है या ए है या इसमें ई है या ए है. तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें तो याद कर ही लेना है कि जो बेस है वो सीधा आ जाएगा, लेकिन जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसमें बेस यदि नेचुरल नहीं है तो उसका एक रूल है,
हम लॉगरिथमिक जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें सीख चुके हैं, उसको तोड़ लिया जाए, ब्रेक कर देंगे हम कॉमन बेस में। जैसे एक एग्जांपल लिया, लेट लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर विद बेस 5, और मान लेते हैं कि भी ये वाई के बराबर है, और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम। तो डिफ्रेंशिएशन जैसे इस सूत्र के द्वारा या फार्मूला हमने जो डेराइव किया इसके द्वारा करने की बजाय, हम इसको ए को यदि मैं ई में बदल लूं तो ये सारे का सारा खत्म ही हो जाएगा ये, क्योंकि लॉग ऑफ ई विद बेस ई तो 1 होता है। जैसे इसी क्वेश्चन में यदि बेस मेरा ए की बजाय ई होता तो मेरा बेस ई चलता, ई चलता, ई चलता और यहाँ भी ई, तो तब ये जो टर्म है ये गायब हो जाती। तो मैं क्यों ये टर्म यहाँ इन्वॉल्व करूँ, मैं इस प्रकार से ब्रेक कर लूँ क्वेश्चन को कि भी ताकि मेरे याद करने में ये समस्या ही ना रहे। तो यहाँ हम उसी चीज़ को ब्रेक करते हैं कि log ऑफ x स्क्वायर विद बेस e अपॉन log ऑफ 5 विद बेस e, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन। कोई भी बेस हो, कुछ भी लिख दें यहाँ, 5, 7, आधा, कुछ भी नंबर, बशर्ते ध्यान रहे कि भी ये नंबर 0 से बड़ा हो, 1 ना हो, और कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम इस प्रकार से ब्रेक कर लेंगे। इसका फायदा क्या हुआ, ये तो एक कांस्टेंट आया क्योंकि इसमें तो एक्स है ही नहीं, ये तो एक गुणा का काम करेगा, मल्टीप्लाई में लिख देंगे यूं का यूं, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन हमेशा जो वेरिएबल होता है ना उसी का तो निकलना होता है भाई। तो यहाँ से log ऑफ एक्स स्क्वायर विद बेस ही आया, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ सीधा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, तो दिस इज कॉन्स्टेंट यानी मल्टीप्लाई में एज इट इज लिख दिया, log ऑफ 5 विद बेस e इंटू डेरीवेटिव ऑफ दिस। तो यहाँ थोड़ा सा हमने याद करने की बात क्या मिलेगी, जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का, तो जो हमारा आर्गुमेंट है जैसे यहाँ आया, वो आर्गुमेंट एकदम अपॉन में ले आओ, जैसे 1 अपॉन x, और इनटू में समथिंग, वो समथिंग की हमने परवाह नहीं करनी है, सिर्फ आर्गुमेंट देखना है। तो यहाँ जो ये अपॉन में जो कांस्टेंट नंबर है ये तो मल्टीप्लाई में ले लिया हमने, तो इसी इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब इसका आर्गुमेंट क्या है, एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन x स्क्वायर, जैसे कि बोला कि भी आर्गुमेंट एकदम अपॉन में ले आओ, ठीक है। बाद में आगे यदि बेस ई है, बात बोली थी कि भी ई है तो कुछ लिखना ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रहे कि भी चैन रूल के द्वारा इसका डेरिवेटिव आगे फिर चलेगा इंटू 2x, ठीक है ना, 1x से x हम कैंसिल कर दें, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन log 5 विद बेस e इंटू 2 अपॉन x। और देखिए एक दूसरी विधि द्वारा भी डिस्कस कर सकते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन में जो नंबर है जैसे x है उसके ऊपर पावर 2 है, उस पावर को हम मल्टीप्लाई में भी ले आएं, y इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर विद बेस 5, दिस कैन बी रिटन log ऑफ x, दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड हेयर विद बेस 5, दिस इज सेम इज दिस। लेकिन ध्यान रहे कि भाई ये सेम तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ देखो एक बार यदि मैं ग्राफिकली इसको डिस्कस करूँ, जैसे कह दिया कि भाई x की वैल्यू बताओ इसमें क्या रखें, तो हम कहेंगे भाई x कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि log में जो आर्गुमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, स्क्वायर होने के नाते ये हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ तो हम कहेंगे भी डोमिनोल रियल है, लेकिन यहाँ रेस्ट्रिक्ट लिमिटेशन आ गई हमारी कि यदि 2 मल्टीप्लाई में ले आए और x यहाँ अपने आप में इटसेल्फ यहाँ दिखाई दिया और यहाँ यदि x की वैल्यू हमने नेगेटिव ले ली तो ये सारा एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये दोनों वैसे कहने के लिए डेरिवेटिव में तो कोई फर्क नहीं है, कोई समस्या नहीं आनी कि भाई हमने इसको ब्रेक कर लिया इसके बराबर है, इसको सेम नहीं कह सकते, ये कुछ एक पार्ट है, यानी ये सेम तभी इसके बराबर हो सकता है जब एक्स हमारा पॉजिटिव हो। यदि एक्स यहाँ बोल दिया ऑल रियल तो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं ला सकते, और एक्स यदि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो 2 को यहाँ ले आओ, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। तो सबसे पहले फिर वही कि भी log में बेस जो है वो 5 दिखाई दिया,
तो इसको पाँच को हटाते हैं, इसको जैसे कि इस क्वेश्चन में किया था हमने, तो टू इंटू टू तो मल्टीप्लाई में आ लिया, तो लॉग ऑफ एक्स विद बेस ई अपॉन लॉग ऑफ फाइव विद बेस ई। तो इसका यदि मैं डिफ्रेंशिएशन निकालूं, देखो यहाँ इस क्वेश्चन में किया था, यहाँ से देखिए आगे सेम रिजल्ट आएगा इसका, तो टू इंटू लॉग ऑफ ई लॉग ऑफ एक्स विद बेस ई अपॉन सम कॉन्स्टेंट, तो सम कॉन्स्टेंट विल बी रिटर्न एज इट इज, जैसे टू अपॉन इसको यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, टू डिफ्रेंशिएशन करते हैं, टू इंटू लॉग ऑफ एक्स वन अपॉन एक्स ई बेस है बस इतना ही यानी आर्गुमेंट, और बटे में लॉग ऑफ फाइव विद बेस ई। तो इसको और इसको यदि देखें तो सेम ही आंसर आया। तो जब भी लॉग का नंबर यदि कोई दिया गया और उसके ऊपर कोई पावर हो, जैसे क्वेश्चन लिया हमने लॉग ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉग की, यदि ये फॉर्म कहीं दिखाई दे, काफ़ी जगह मैथमेटिक्स में दिखाई देगा लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और कहा कि भी इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो हमने पीछे इनवर्स फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन डाल करके एक्सप्रेशन को काफ़ी छोटा करके उसको कहने का मतलब सिंप्लीफाई किया था और फिर डिफ्रेंशिएट किया था। अब यहाँ यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करने की सोचूँ या कुछ सब्स्टिट्यूशन डालूँ तो ये छोटा नहीं होगा या सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो सीधा हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट या जो फार्मूला है वो सीखा उसके द्वारा देखते हैं, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू वन अपॉन आर्गुमेंट, वन अपॉन आर्गुमेंट लॉग का डेरिव, यहाँ बेस ई है, लॉग ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दिस इज टोटली कॉल्ड आर्गुमेंट, तो लॉग ऑफ आर्गुमेंट का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वन अपॉन दिस आर्गुमेंट एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और चैन रूल बोलता है इसका डेरिवेटिव अगेन, तो एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस वन बाई टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगेन इट्स डेरिवेटिव टू एक्स। ये हमने एलजेब्रा में डिफ्रेंशिएशन सीख लिया है, शुरुआत में आया था ये, तो एक्स का डेरिवेटिव वन इस एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव आगे निकाला, दो दो कैंसिल करते हुए, नाउ वी सिंप्लीफाई दिस टेकिंग एलसीएम, तो वन अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इनटू विद इन ब्रैकेट वी हैव हेयर टेकिंग एलसीएम एंड सॉल्विंग दिस, दिस विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो दिस होल एक्सप्रेशन इज कैंसल टू दिस, तो सो द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और दो एग्जाम्पल लेकर के हम डिस्कस करते हैं।